आप यहाँ पर भी आ गई। मैंने आपको बाहर बताया ना कि 15 दिन बाद आइएगा, फिर भी आप आ गई। तुम्हारी ही तो तलाश थी बालवीर। आप लोग समझते क्यों नहीं है, हम 15 दिन बाद पैसा चुका देंगे। ये कौन से पैसे की बात कर रहा है? वीर, वीर, बेटा ये है कौन? माँ, यही है वो सूट बूट वाली बैंक वाली मैडम। ये बालवीर मुझे बार बार बैंक वाली मैडम क्यों बुला रहा है? जो अपने गुंडे लेकर आई थी पापा को पीटने के लिए। अरे नहीं नहीं, गलती कर रहा है तू, ये वो मैडम नहीं है। लेकिन दादाजी, वो सूट बूट वाली मैडम टीका लगा के आई थी और इनके जितनी पतली नहीं थी। तो बालवीर मुझे कोई और समझ रहा है। लगता है कोई कंफ्यूजन हो गया। देखिए, मुझे लगा कि आप वो बैंक वाले हैं जो हमारे घर पर लोन की वसूली करने आए थे। मैं आगील हूँ, इसने मुझे अभी तक पहचाना नहीं। बेवकूफ बैटरी। पर बालवीर मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहा? ये कोई नया नाटक तो नहीं है इसका? लेकिन मुझे तो गलत फहमी हो गई। अब आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे मुंह से मुझे माफ कर दो सुनना अच्छा लगा। मेरा मतलब है कि कितना अच्छे से बोलते हैं मिस्टर वीर भास्कर भारद्वाज। अगर आप बैंक से नहीं है तो फिर कहां से? मैं आज्ञा शर्मा, वो डायमंड के शोरूम में काम करती हूँ, तो मॉडर्न कॉलोनी में कुछ काम था इसलिए आई थी यहाँ पर। अब वो एक्चुअली मैं आपके पीछे पीछे घर आ गई क्योंकि मेरा फ़ोन डेड हो गया है बैटरी। और मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करना है ऑफिस में, तो क्या मैं आपके यहाँ से कॉल कर सकती हूँ? वैसे भी आपने मुझे अच्छा खासा डांट दिया है, इतना तो बनता है। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? ये लीजिए, अब मेरा फ़ोन यूज़ कर लीजिए। थैंक यू। अब लाइए, मैं आपका फ़ोन चार्जिंग में लगा देता हूँ। जी श्योर, थैंक यू। ये बालवीर मुझे सच में नहीं पहचान पा रहा है, या ये उसकी कोई चाल है, पता लगाना पड़ेगा। ये सर आ गया हियर। वो आपने नाम क्या बताया था? अच्छा, उत्तान। इसे तो उत्तान का नाम सुनकर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसके सबसे बड़े दुश्मन का नाम ट्राई करती हूँ। अच्छा, और सर वो दूसरा क्या नाम बताया था आपने? मिस्टर शशमाग। शशमाग के नाम से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा? ये क्या हो रहा है? एक बार और ट्राई करती हूँ। और सर इन दोनों की कंपनी का क्या नाम है? शाश्वान लोक प्राइवेट लिमिटेड। ये बालवीर को हो क्या गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और सर वो उदाका एंटरप्राइजेस में किससे मिलना है सर? ये इन नामों पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? एक लास्ट ट्राई करती हूँ, इस नाम पे तो इसे रिएक्ट करना ही पड़ेगा। हाँ सर, हाँ जी हाँ जी, अदीशी से। क्या अपनी माँ का नाम सुन के भी कोई रिएक्शन नहीं? ये बालवीर है या कोई और? ऑलराइट सर, यस सर, यस सर। कुछ समझ नहीं आ रहा, बालवीर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। मुझे पता लगाना पड़ेगा आखिर ये मामला क्या है। इसके पीछे कोई तो बड़ी साजिश है जो मुझे नहीं मालूम, पर आगे से कोई भी राज ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकता। थैंक यू सो मच, मैं चलती हूँ। अरे 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 मैडम रुकिए, अरे मैडम। लो, आ गया मैं। मैंने कहा था शाश्वान जेल के पास मिलो, ताकि तुम मेरे भाई को अभी के अभी इसी वक्त। तुम्हारे भाई को शाश्वान जेल से छुड़ाना इतना आसान नहीं है निपोर। उसे काम करवाते वक्त तुमने कहा था बस इतना काम कर दो, काम होते ही तुम मेरे भाई को तुरंत जेल से आजाद करवाओगे। शाश्वान जेल से किसी गुनहगार को भगाना मजाक है क्या? ये काम खतरे से खाली नहीं है। और तुम्हारे कहने पर मैंने जो किया उसमें क्या कम खतरा था? बहुत ज्यादा नफरत हो रही है मुझसे। तुम इंसान ही कुछ इस तरह के हो शशमाक, तुमने हर किसी को धोखा दिया है। जिन्होंने तुम्हें बनाया महामहिम उत्तान,
तुमने उन्हें भी धोखा ही दिया है, और उन्हें धोखा देने में तुम्हारा साथ जिसने दिया, मैंने, तुमने मुझे भी धोखा ही दिया। साथी सिपाहियों के साथ खड़े होकर वहां चंबाल लोग के सभी लोगों से नजरें बचाकर मैंने तुम्हारा मैसेज आगिल को दिया था। तुमने मेरी भाई की रिहाई का वादा करके आगिल को आजाद करवाया, और अब काम होते ही तुम। अरे मैं इंसान ही कुछ इस तरह का हूँ, देखो पलट गया, खुल्लम खुल्ला तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ। जाओ, जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे भाई को जेल से नहीं भगा सकता। मेरे हर उस गलत काम में तुमने भी मेरा साथ दिया है। मामाइन जो सजा मुझे देंगे वही सजा तुम्हें भी देंगे। वो मैंने मजबूरी में, तुम्हारी लालच में आके मेरे भाई को बस जेल से छुड़ाने के लिए। अरे गलती मजबूरी से, अनजाने में, जानबूझकर, शौक से, या जैसे भी की गई हो, सजा एक जैसी ही मिलती है। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है निपोर, चुपचाप एक बंद खड़ी की तरह किसी कोने में जाकर पड़ी रहो। शशमाग, याद रखो, बंद खड़ी भी दिन में एक बार जरूर सही वक्त दिखाती है। मेरे पास तुम्हारा एक राज है जिसमें मैं शामिल नहीं। क्या, कौन सा राज? कौन सा राज? बाबेल और तुएर। याद है ना वो दो हिमभाषी जो भागते हुए उदका की तरफ बालवीर की शरण लेने के लिए आए थे? उन्हें दुश्मन समझकर बालवीर ने बेहोशी वाला वार किया था, लेकिन उस वार के साथ एक और वार हुआ था, जान से मार देने वाला वार। और वो हमला तुमने किया था शशमांक, जिसका इल्जाम तुमने बालवीर पर लगाकर उसे धरती पर भेज दिया। साबित कैसे करोगे? मुझे साबित करने की जरूरत ही नहीं, मैं तो सिर्फ महामहिम उत्तान को बता दूंगा, वो करेंगे जो करना है। इंक्वायरी करवाकर और जब रिपोर्ट आएगी ब्लैक बॉक्स की, तब तुम्हारा क्या होगा शशमा? निपुर, तुम गलत समझ रही हो, तुम यहीं रुको, मैं चाबियां लेकर आता हूं। हम तुम्हारे भाई को आज ही आजाद करवाएंगे। अब की ना तुमने अकलमंदी वाली बात, जाओ जल्दी चाबियां लेके आओ। नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो पक्का बालवीर, लेकिन मुझे पहचान नहीं रहा है, जिससे उसे कुछ याद ही ना हो। तुम दोनों एक काम करो, तुम बालवीर के घर पर हमला करो, लूटने के इरादे से अपनी गन्स लेकर उसके घर में घुस जाओ, बालवीर पर हमला करो, उसके परिवार पर हमला करो, घायल करो उन्हें, जान लेने की कोशिश करो, और जरूरत पड़े तो एक दो लोगों की जान ले भी लो। उकसाओ उस बालवीर को, हम भी तो देखें कि वो हमला करता है या नहीं, क्योंकि अगर वो सही में बालवीर है तो अपने असली रूप में जरूर आएगा। लेकिन वो अगर अपने असली रूप में आ गए तो हमें जान से कुछ मार सकता है, और हम उसके इतना नजदीक होंगे तो वो हमें मारेगा, बुरी तरह मारेगा। आगिल तो दे दो अपनी जान,
तुम दोनों ने तो कसम खाई है कि मेरे लिए जान देने को तैयार हूँ, जरूरत पड़ने पर अपनी जान दे सकते हो। तो मरो आज, आज है दिन शहीद होने का, क्योंकि या तो आज हम मरेंगे या तो आज ही उस बालवीर को मारेंगे। लो आ गया मैं, ये लो जेल की चाबियां। मैं भाई से जेल में मिलने के बहाने उसे चुपके से दे दूंगी। मौका पाकर वो खुद बंधन तोड़कर जेल से भाग निकलेगा। शशमाक, तुमने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। रुको, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। नहीं शशमाक, चिंता मत करो, मैं अब किसी को नहीं बताऊंगी तुम्हारे राज। तुम सिर्फ अपनी चिंता करो ने तो। आज के बाद मुझसे मिलना भी मत। अगर पकड़े गए तो तुम्हारी साथी समझकर महामहिम उत्तान मुझे भी जान से मार देंगे। नहीं निपोर, नहीं, महामहिम को मैं तुम्हें जान से कभी नहीं मारने दूंगा, क्योंकि मैं मारूंगा तुम्हें जान से। क्या करूं निपोर, तुम मेरा राज जो जान गई हो। धोखेबाज चश्मा, और मेरा राज जानने वाले को मैं चलता फिरता बोलता जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। चश्मा, नहीं। अरे 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 अरे, डरो मत निपोर, तुमने ही तो कहा था मुझसे बहुत दूर चली जाओगे, तो मैं भेज देता हूँ तुम्हें बहुत दूर। शशमाक, नहीं। फिर कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने मेरा साथ दिया था। वो तो जेल में है ही नहीं, उसे तो मैंने कल रात ही आजाद कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर भेज दिया। अब तुम भी जाओ अपने भाई के पास बहुत दूर। शशमाक, बचाओ, बचाओ, बचाओ। कौन है? बचाओ, हाँ प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो मेरे पीछे पड़े हैं। अब आगे जी, क्या हुआ? वो मेरे पीछे पड़े हैं, उन्होंने मेरे सारे पैसे ले लिए, मेरी सारी ज्वेलरी ले ली, वो मार देंगे। वो आप चिंता मत कीजिए। नहीं, साश्वान रहे महामहिम। रहे साश्वान शशमाक। ये हम क्या देख रहे हैं शशमाक? तुमने इस सिपाही को जान से क्यों मार दिया? महामहिम, मेरी सेना से पता लगवा रहा था कि उस दिन
अगिल को भागने का रास्ता दिखाया किसने? उसी दौरान हमें इंक्वायरी के वक्त पता चला कि ये सालों से दुश्मनों के लिए मुखबिरी कर रहे थे। आवाज शशमार, साशवान लोग के नियम और अनुशासन के लिए तुम हमेशा तैनात रहते हो। चलो हम तुम्हें एक खुशखबरी देते हैं, हमारे बालवीर की इंक्वायरी पूरी हो गई है। इतने दिनों में हमारे लोगों ने उस पल को, उस काल को और उस हादसे को ब्लैक बॉक्स में कैप्चर किया है। उस दिन जो कुछ भी हुआ होगा उसे सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग की तरह जादू से बनाकर तैयार किया गया है। आपने देखा वो पल? नहीं, किसी ने नहीं देखा है। जिन्होंने वो कैप्चर किया है उन्होंने भी नहीं देखा है। इस मामले में कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए हमने ब्लैक बॉक्स और उसे खोलने का जादुई कोड अलग अलग मंगाया है। ब्लैक बॉक्स हमने सेफ रख दिया है, आज रात को ही आकाश में हम सब वो पल एक बार फिर देखेंगे और हमें साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि उन दो निर्दोषों की जान बालवीर की गलती से गई है या फिर किसी ने उन्हें मारकर बालवीर को फंसाया है। प्लीज प्लीज देखिए मेरी बात सुनिए। ये तेरी बात सुनने नहीं बैठे समझी क्या? चल बता मां किधर है। अरे ये निकाल, चल जल्दी निकाल। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो डायमंड के शोरूम में जॉब करती हूँ। यहाँ से पेमेंट लेने आई थी, प्लीज मेरे पैसे वापस कर दीजिए, मेरे मेरे बॉस को वापस करें। दादा झूठ बोलेगी ना तो सारी सारी गोलियां थक दूंगा, समझी क्या? समझे? मुझे पता है तू यहाँ लाखों की डिलीवरी करने आई है, माल कहाँ है पता? मेरे पास नहीं है, जो कुछ भी था आपने तो ले लिया, प्लीज मुझे नाटक बनकर समझी क्या? तलाशी ले इसकी, चल तलाशी ले जल्दी। पीछे कौन? कुछ भी नहीं है। लगता है सारी ज्वेलरी ना इन घर वालों को दिए छुपाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने छुपाया माल। ए बुड्ढे, दादाजी इधर है। नहीं नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? हाँ हमारे घर में कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ यहाँ पे वो नहीं यूज करने आई थी, इन्होंने पानी भी नहीं पिया, जल्दबाजी में चली गई थी। बालवीर पर अटैक करो। अरे अरे कुछ नहीं है हमारे घर में, प्लीज हम सच कह रहे हैं। करो कैसे जाऊं बालवीर की तरफ, कहीं वो मुझे। देखो हमारे पास लड़के, बता माल किधर है, बोल। हमारे घर में कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। जल्दी बता माल किधर है वरना ट्रिगर दबा के तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अब आएगा ये अपने बालवीर के अवतार में। देखो मेरा पूरा फैमिली डर रहा है, मेरी छोटी बहन बोल भी नहीं सकती, प्लीज हमें छोड़ दो, हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज प्लीज। जा उसकी माँ को पकड़। वीर, माँ। तुझे तेरी जान की चिंता नहीं है पर तेरी माँ की जान की चिंता तो है ना? भेजा उड़ा दूंगा इसका, चल पता माल किधर है, जल्दी पता। मेरा बेटा सच कह रहा है। कर बालवीर कुछ, कर ला अपनी असलियत सामने। तुझे बोला बोलने के लिए नहीं, तेरा बेटा बोलेगा, चुप। चल बता माल किधर है। मेरी माँ को छोड़ के पीछे हट जा। नहीं हटूंगा, छोड़ दो मेरी माँ को। अब ये आएगा अपने असली रूप में। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी माँ की कोई गलती नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता। ए, पीछे हट, ये डरूंगा। वो बंदूक मेरी माँ के सर से हटा और पीछे हट जा।
गोली मारनी है तो मुझे मार, लेकिन मेरी माँ को छोड़ दे। कह रहा हूं मैं, छोड़ दे मेरी माँ को। और अगर वो सच में सब कुछ भूल गया है तो मेरे हाथों बालवीर मारा जाएगा। चश्माग जी मामा, ये लो ब्लैक बॉक्स को खोलने का जादुई कोड, इसे अपने पास रखो। तो क्या ये ब्लैक बॉक्स सिर्फ इसी कोड से खुलेगा? हाँ चश्मा। महामहिम, ये भी तो हो सकता है कि इंक्वायरी करने वाली टीम ने इसे देख लिया हो और सबूत के साथ कुछ गड़बड़ करके हमारे निर्दोष बालवीर को फंसाने की कोशिश। किसी ने कुछ नहीं देखा है शशमाक, भूतकाल का पल बीते वक्त से काला धुआं खींचकर बनाया जाता है और ये ब्लैक बॉक्स के अंदर आने के बाद ही पूरा साफ साफ दिखाई देता है। आज रात हम जो कुछ भी देखेंगे वो पहली बार देखा जाएगा। तब तो बिल्कुल ठीक है मामा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि आज रात जो भी देखा जाए पहली बार देखा जाए। मामा, मैं दिल से चाहता हूं कि बालवीर के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय ना हो। पीछे हट, पीछे हट, आगे मत आ वरना पीछा डालूंगा। ये इतना ज्यादा वक्त क्यों ले रहा है हमला करने में? कुछ तो बात है जो मेरे समझ में नहीं आ रही। वीर, ये बहुत खतरनाक लोग हैं बेटा, संभाल कर। वीर बेटा संभाल के। आप इस परिवार को क्यों परेशान कर रहे हैं? इन्हें तो कुछ पता भी नहीं है। छोड़ दीजिए प्लीज। आज्ञा जी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। छोड़ दे। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। लगता है बालवीर पूरी तरह अपनी शक्तियों को भूल चुका है। अब वक्त आ गया है इसे मारने का। तेरा वक्त अब खत्म हो गया बालवीर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।